नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको भी फ्री में सिंधु आम का पौधा मिल सकता है, वो भी आपके घर तक होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। दोस्तों, वो जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कुछ सिंधु आम के बारे में, उसकी खासियतों को। दोस्तों, ये जो वैरायटी है इसको सिंधु भी बोला जाता है, सिंधु मैंगो, और ये सिंदूरी मैंगो के नाम से भी काफ़ी जगह पर प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसको जो बनाया था दोस्तों डॉक्टर बाला साहब सावंत थे, उन्होंने बनाया था। दोस्तों, अल्फांसो और नीलम आम का जब क्रॉस कराया था तो दोस्तों रत्नाम निकल के आया, रत्नाम बना था। फिर रत्ना आम का जो था दोबारा से अल्फांसो के साथ क्रॉस कराया था दोस्तों, तब जाकर सिंधु आम बना। दोस्तों, इस आम के अंदर 8 से 10 ग्राम की पतली गुठली होती है। दोस्तों, ऐसा है कुछ आमों के अंदर बहुत ही पतली गुठली थी और कुछ आम ऐसे भी निकले जिसके अंदर गुठली नाम मात्र की ही थी। दोस्तों, बिहार के जो बहुत से लोग हैं इस वैरायटी को लगाए हुए हैं और वो इसकी खेती कर रहे हैं और दोस्तों उसे आम बेचकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों, पौधा लगाने का तरीका है 5 किलो गोबर की खाद डालें और 500 ग्राम नीम खली और 1 किलो बर्मी कंपोस्ट, जो मिट्टी है गड्ढे से निकाल कर 2 फीट गहरा 2 फीट चौड़ा गड्ढा करें, उसके अंदर से निकाल कर उसमें मिलाकर पौधा लगा दें। दोस्तों, अब आपको ये पौधा फ्री में कैसे मिल जाएगा इसके बारे में बेहद ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, देखिए, अगर आप इस आम के पौधे को बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आप सभी में से किसी एक को ओरिजिनल बिना गुठली वाले आम का पौधा देंगे, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, लाइक करने के बाद आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद आप इस वीडियो को शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी, और दोस्तों आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करेंगे और हम फिर एक कमेंट उठाएंगे उसके अंदर से जो सबसे अच्छा होगा, फिर आपको पौधा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इसमें से कोई भी स्टेप मिस कर देते हैं, कोई भी जो भी आप लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस गिव अवे में आप पार्टिसिपेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए खास ध्यान रखें, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें ताकि हम आपका कमेंट पिक करके आपको पौधा दे सकें।